हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, बहुपद के मान के बारे में, है ना, बहुपद के मान, बहुपद के प्रकार, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग का, है ना, एक्सरसाइज शुरू होगा, है ना। एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो पहले हम लोग उसको अध्ययन कर लेंगे, पहले हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और बच्चों, कल से आप लोग का, है ना, एक दिन मैथ का क्लास होगा और एक दिन साइंस का क्लास होगा, है ना, एक दिन मैथ का क्लास होगा और एक दिन साइंस का क्लास होगा, ठीक है बच्चों, एक दिन मैथ का क्लास होगा और एक दिन साइंस का क्लास होगा, ठीक है, कल से। जैसे कि आज आपका मैथ का क्लास है तो कल होगा साइंस का क्लास, फिर परसों होगा मैथ का क्लास, है ना, मतलब एक दिन साइंस, एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन मैथ, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, डेली क्लास लेने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन मोबाइल में डाटा भी होना चाहिए। मोबाइल में मात्र एक दिन में 2 GB डाटा आता है, वो भी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 12th की वीडियो को डालने में क्या होता है, वो 2 GB डाटा खत्म हो जाता है, है ना। इसलिए बच्चों, आप लोग का, है ना, एक दिन मैथ होगा और एक दिन साइंस होगा, एक दिन मैथ होगा, एक दिन साइंस होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे जरूर से जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, घंटा बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो बच्चों, है ना, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बहुपद का शून्य या शून्यक, है ना, बहुपद का शून्य या शून्यक, जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल, है ना, जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो बच्चों, आप लोग याद कीजिए, कल हम लोग पढ़े थे बहुपद का मान, है ना, कल हम लोग क्या पढ़े हैं, बहुपद का मान पढ़े हैं, है ना, कल हम लोग पढ़े हैं बहुपद का मान। देखिए ध्यान से, अगर कोई बहुपद पी एक्स बराबर, है ना, अगर कोई बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अगर कोई बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अगर हम आपको बोलें, अगर हम आपको बोलें कि एक्स बराबर वन पर, है ना, एक्स बराबर वन पर और एक्स बराबर माइनस वन पर, है ना, इस बहुपद का मान निकालिए, एक्स बराबर वन पर और एक्स बराबर माइनस वन पर, है ना, एक्स बराबर वन पर और एक्स बराबर माइनस वन पर इस बहुपद का मान निकालिए। तो क्या करिएगा, देखिए ध्यान से, मान निकालते हैं, है ना, x के स्थान पे पहले 1 रखते हैं, है ना, पहले हम लोग मान निकालते हैं, पहले हम लोग मान निकालते हैं x बराबर 1 पर। देखिए, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो क्या लिखेंगे, p1, क्या लिखेंगे, p1, यहाँ x, तो यहाँ x है, यहाँ 1, तो जहां x वहां का रख देंगे 1, यहाँ x था तो यहाँ x का स्क्वायर, अब यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कट के कितना आ गया, 0, है ना, मतलब p1 बराबर कितना आ गया, 0, p1 बराबर कितना आ गया, 0, तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आ गया, 0, x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आ गया, 0। फिर निकालते हैं x बराबर माइनस 1 पर, है ना, x बराबर माइनस 1 पर निकालते हैं बहुपद का मान, तो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, p माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, है ना, यहाँ x है तो यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 1 कर देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, तो 1 1 का कट गया, कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 0, तो p माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 0, है ना। तो आप लोग बोलिएगा कि सर, x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना है, 0, और x बराबर माइनस 1 पर भी बहुपद का मान कितना है, 0। तो बस यही हमको समझना था, है ना, यही हमको समझना था कि x का वह मान, x का वह मान, है ना, x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो उसी x के मान को बोलेंगे उस बहुपद का शून्यक, क्या बोलेंगे, उस बहुपद का शून्यक, है ना। हमको x का ऐसा मान सोचना है,
x का ऐसा मान सोचना है जो इस बहुपद के मान को क्या कर दे, जीरो कर दे, इस बहुपद के मान को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो वही x का मान क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे देखिए x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना हो गया, जीरो, तो इस बहुपद का शून्यक कितना हो गया, x बराबर 1। हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है, है ना, x बराबर 1 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, जीरो। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना आया है, जीरो। तो यही x का मान है ना, यही x का मान क्या कहलाएगा, बहुपद px का शून्यक, क्या कहलाएगा, बहुपद px का शून्यक कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, बहुपद px का शून्यक, है ना। देखिए x बराबर माइनस 1 पर भी इस बहुपद का मान कितना आ गया, जीरो। x बराबर माइनस 1 पर भी इस बहुपद का मान कितना आ गया, जीरो। तो x बराबर माइनस 1 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। मतलब x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 ये दोनों क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, है ना, इस ये दोनों क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, है ना। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमको बोलेगा बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, है ना, अगर हम लोग को बोलेगा बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, तो हम x का ऐसा मान सोचेंगे, हम x का ऐसा मान सोचेंगे जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो, है ना। हम लोग x का ऐसा मान सोचेंगे जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वही x का मान क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ये मान लीजिए कि पी एक्स बराबर कितना है, एक्स प्लस वन, और हम आपसे बोले कि एक्स का ऐसा मान सोचिए, है ना, एक्स का ऐसा मान सोचिए जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना, एक्स का ऐसा मान सोचिए जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना, एक्स का ऐसा मान सोचिए जिससे इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, है ना, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो x के उसी मान को, है ना, x के उसी मान को क्या बोलेंगे, उस बहुपद का शून्यक, है ना, x के उसी मान को क्या बोलेंगे, उस बहुपद का शून्यक, है ना, x के उसी मान को क्या बोलेंगे, इस बहुपद का शून्यक, है ना, x का ऐसा मान सोचिए जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो x का वही मान क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक। देखिए हम यहां करते हैं, x बराबर रख देते हैं माइनस वन, देखिए माइनस वन अगर हम रख देंगे इसमें, तो यहाँ यहाँ x, तो यहाँ x, तो कितना होगा, माइनस वन प्लस वन, वन वन करके कितना हो गया, जीरो। तो x बराबर माइनस वन, है ना, x बराबर माइनस वन क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक, x बराबर माइनस वन क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, है ना, x बराबर माइनस वन क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक, है ना, x बराबर माइनस वन क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हमको बोलेगा बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, जब भी बोलेगा हम लोग को बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा x का ऐसा मान, है ना, हम लोग को x का ऐसा मान सोचना पड़ेगा जिससे, है ना, जिससे उस बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब भी बोलेगा हम लोग को किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, तो हम लोग को x का ऐसा मान निकालना होगा, है ना, x का ऐसा मान निकालना होगा जिसके जिससे उस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका ऐसा मान सोचना होगा, है ना, x का ऐसा मान सोचना होगा जिससे क्या होगा, उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों, है ना, बहुपद क्या शून्यक का परिभाषा ही होगा, है ना, बहुपद का शून्यक का परिभाषा यही होगा, है ना, कि x बराबर a, x बराबर a बहुपद px का शून्यक कहलाता है, x बराबर a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि और केवल यदि, है ना, यदि और केवल यदि p a बराबर जीरो, है ना, x बराबर a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि और केवल यदि p a बराबर जीरो। मतलब है ना, a को रख देंगे px में तो इसका मान क्या आना चाहिए, जीरो, है ना, a को रख देंगे px में तो px का मान कितना आना चाहिए, जीरो। तो ये लिखे हैं pa बराबर कितना, जीरो, pa बराबर कितना लिखे हैं, जीरो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इसका, है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो बच्चों हमारा यही एग्जाम्पल है ना, हमारा यही एग्जाम्पल है, बोल रहा है जांच कर बताइए कि x बराबर 1 और कोमा x बराबर 2 है ना, x बराबर 1 कोमा x बराबर 2 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है ना, जांच कर बताइए कि x बराबर 1 कोमा x बराबर 2 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है ना, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है ना, शून्यक है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो जांच करते हैं हम लोग, देखिए जांच है ना, जांच करते हैं है ना, x बराबर 1 और x बराबर 2 बहुपद में रख देंगे, अगर बहुपद का मान 0 आ गया है ना, अगर बहुपद का मान 0 आ गया तब शून्यक होगा, और बहुपद का मान 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो चूंकि पी एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, x स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए इसलिए लिखते हैं x बराबर 1 पर, देखिए x बराबर 1 पर मान निकालिए बहुपद का है ना, x बराबर 1 पर मान निकालते हैं बहुपद का, देखिए तो p1 तो यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ 1 क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 है ना, यहाँ x तो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ 1 x के स्थान पे कितना आ गया 1, तो यहाँ x था तो x का स्क्वायर, तो यहाँ 1 तो क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 1 कट गया कितना आ गया 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि p1 बराबर 0 इसलिए x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1 पी एक्स का शून्यक है ना, पी एक्स का शून्यक है ना, x बराबर 1 पी एक्स का शून्यक है ना, x बराबर 1 क्या है, पी एक्स का शून्यक है, 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं x बराबर 2 पर है ना, x बराबर 2 पर हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए चूंकि पी एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिखते हैं, देखिए इसलिए एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर निकालते हैं बहुपद का मान, ठीक है p2, तो देखिए यहाँ x तो यहाँ x का स्क्वायर है ना, यहाँ x तो यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ 2 आ गया तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3, 4 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3, तो लिख देंगे चूंकि p2 does not equal to 0, मतलब p2 का मान 0 आया नहीं आया, p2 का मान 0 नहीं आया, तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 2 px का शून्यक है, px का शून्यक नहीं है, सॉरी x बराबर 2 है ना, x बराबर 2 px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है है ना, पी एक्स का शून्यक नहीं है, x बराबर 2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों यही हमारा एक कॉन्सेप्ट बच गया था। ठीक है बच्चों, कि बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 है ना, एक्सरसाइज 3.1, तो बच्चों हम लोग पहले है ना देख लेते हैं कि टाइप 1 में किस तरह का प्रश्न आएगा है ना, एक्सरसाइज 3.1 के टाइप 1 में किस तरह का प्रश्न आएगा है ना, एक्सरसाइज 3.1 के टाइप 1 में किस तरह का प्रश्न आएगा, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो बच्चों आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 का टाइप 1 लिखा हुआ है, बहुपद से संबंधित, बहुपद से संबंधित पदों की परिभाषा तथा बहुपद पहचानने पर आधारित प्रश्न है ना, बहुपद से संबंधित पदों की परिभाषा तथा बहुपद पहचानने पर आधारित प्रश्न, मतलब बच्चों टाइप 1 में जो प्रश्न आएगा वो बहुपद की परिभाषा से आएगा और बहुपद को जांच करने के लिए आएगा कि दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं है ना, दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं ये हमें जांच करने के लिए आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहला प्रश्न बनाते हैं है ना, तो आप लोग सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं है ना अपने डिस्प्ले पे, लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए है ना, पहला प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में
कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को लिख लेते हैं, है ना, सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों है ना एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला प्रश्न यही है, है ना, सबसे पहला प्रश्न यही है। यहाँ कुछ व्यंजक दे दिया गया है, यहाँ कुछ व्यंजक दे दिया गया है, इसमें हमको जांच करना है कि ये कौन कौन से चर में है ना, ये कौन कौन से चर में बहुपद है और उसका कारण भी हमको बताना है, कौन कौन से चर में बहुपद नहीं है इसका कारण भी हम लोग को बताना है। तो बच्चों आप लोग याद कीजिए, आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताए हैं, आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि वही व्यंजक बहुपद कहलाता है, वही व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें चर का पावर ओ ऋणात्मक पूर्णांक होता है, है ना, जिसमें चर का पावर ओ ऋणात्मक पूर्णांक होता है, मतलब चर का पावर जो भी उसमें चर रहेगा उस चर का पावर जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन हो सकता है, एट हो सकता है, नाइन हो सकता है, टेन हो सकता है ना, अलेवन हो सकता है, ट्वेल्व हो सकता है ना, बीस, तीस, चालीस, पचास, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है ना कि क्या नहीं हो सकता है। तो चर का पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, है ना, चर का पावर कभी परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब चर का पावर बटे में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और कोई भी चर हर में नहीं होना चाहिए, और कोई भी चर हर में नहीं होना चाहिए, अगर ये सब होगा तो बहुपद वो नहीं होगा, है ना, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए और ये प्रश्न को हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको हम जांच करते हैं, तो पहला दिया हुआ है देखिए 4x² - 3x + 7, तो हमको देखना है सिर्फ चर का पावर, देखिए चर का पावर यहाँ दो है, चलिए ठीक है, है ना, ये है और ऋणात्मक पूर्णांक, चर का पावर यहाँ एक है, ये भी है और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे कि ये ना एक चर में बहुपद है ना, ये एक चर x में बहुपद है, एक चर x में बहुपद है ना, ये एक चर x में बहुपद है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा तो दूसरा दिया हुआ है √3x³ + 5x - 2, तो आप लोग को बता दिए हैं सिर्फ चर को देखना है, चर को देख, चर यहाँ x है तो x की पावर कितना है 3, ठीक है, ये और ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पावर कितना 1, ये भी ठीक है और ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी क्या है बहुपद है, ये भी लिख देंगे, इसका भी आंसर लिख देंगे कि यह चर x में बहुपद है, है ना, यह चर x में बहुपद है, लिख देंगे कि यह एक चर, यह एक चर x में बहुपद है, x में बहुपद है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर तो तीसरा दिया हुआ है 3√t + t√2, तो देखिए यहां चर कौन है, तो यहां चर t है, यहां चर क्या है t है, है ना, यहां पे चर जो है वो t है। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ चर आ गया रूट के अंदर, आप लोग को बता दिए हैं कि चर कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, चर कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे क्या जी, देखिए इसका आंसर लिख देंगे कि यह है ना बहुपद नहीं है, इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे कि यह चर टी में बहुपद नहीं है, में बहुपद नहीं है, यह चर टी में बहुपद नहीं है, और बोल रहा है कारण भी लिखने के लिए, है ना, कारण, तो कारण लिख देंगे, तो कारण लिख देंगे कि चर टी का घात, ना चर टी का घात और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, घात और ऋणात्मक, और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है,
और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, क्या लिख देंगे, है ना, कि चर टी का घात और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब चर टी का पावर पूर्णांक में नहीं है, रूट में है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, देखिए चार नंबर, तो चार में देखिए बाई प्लस 1/2 स्क्वायर + 3, क्या ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। देखिए चर आ गया है बटे में, आप लोग को बोले थे ना कि चर कभी बटे में नहीं होना चाहिए, चर कभी बटे में नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी अगर इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग इस चर को अगर ऊपर ले जाते हैं तो बाई प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा -+3। देख लीजिए, है ना, चर का पावर क्या आ गया, माइनस, है ना, ये आ गया ऋणात्मक पूर्णांक, क्या आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना, ये बहुपद नहीं होगा। लिख देंगे आंसर, क्या लिख देंगे, यह चर बाई में बहुपद नहीं है, यह चर बाई में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, है ना, यह चर बाई में बहुपद नहीं है। कारण बोलेगा लिखने, तो कारण लिख देंगे, देखिए कारण, तो कारण बता देंगे, है ना, कि चर बाई का घात, चर बाई का घात क्या है, -2 है, जो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जो एक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक है, जो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जो एक ऋणात्मक पूर्णांक है ना, चर बाई का पावर जो होना चाहिए वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए ओ ऋणात्मक पूर्णांक, और ओ ऋणात्मक पूर्णांक में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ये सब होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब पांचवा नंबर बनाते हैं ना, पांचवा नंबर देखें, पांचवा नंबर देखिए, पांच में दिया हुआ है x^10 + y^3 + t^50, तो क्या ये बहुपद है, ये क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो चर को देखना है, चर को देखिए, चर पे पावर कितना है 10, चर पे पावर कितना है 3, चर पे पावर कितना है 50। ठीक है, चर पे पावर 10, चर पावर 3, चर पे पावर 50, ये सभी क्या है, ओ ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है, ओ ऋणात्मक पूर्णांक। तो ओ ऋणात्मक पूर्णांक में 10, 3, 50 ये सब आता है, है ना, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा जितना रहता है, 0 और 0 से बड़ा जितना रहता है सभी होता है ओ ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, 0 और 0 से बड़ा, 0 और 0 से बड़ा जितना भी होता है वो सभी होता है ओ ऋणात्मक पूर्णांक। तो लिख देंगे आंसर इसका, लिख देंगे कि यह चर कितना, चर x, y, t में बहुपद है, यह चर x, y, t में बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखते हैं, छह नंबर, तो देखिए छह नंबर, छे में दिया हुआ है 2x^10 + y^5 + z, तो क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है, तो लिखेंगे यह बहुपद है, है ना, यह बहुपद है। यहां देखिए चर का पावर 10 है, 5 है और 1 है, तो ये सभी क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक में, है ना, 0 से बड़ा सब आता है, 0 से, है ना, 0 और 0 से बड़ा सब आता है, और ऋणात्मक पूर्णांक में 0 और 0 से बड़ा सभी रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुपद है। लिख देंगे आंसर कि यह चर x, y, z में बहुपद है, z में बहुपद है, यह चर x, y, z में बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं, है ना, प्रश्न संख्या 2 की ओर। आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 को, है ना, प्रश्न संख्या 2 को आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक में
एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, है ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, है ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसको हम लोग, है ना, इस प्रश्न को लिख लेते हैं बोर्ड पर, है ना, इस प्रश्न को हम लोग बोर्ड पर लिख लेते हैं। तो बच्चों, है ना, ये दो नंबर प्रश्न है, है ना, प्रश्न संख्या दो है, इसमें हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ये सब एग्जाम्पल हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, है ना, ये सभी एग्जाम्पल हम आप लोग को पहले भी, है ना, हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। देखिए क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं, देखिए, है ना, डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, देखिए डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, है ना, डायरेक्ट आंसर, एक नंबर का आंसर देखिए, है ना, एक नंबर का आंसर देखिए, है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब होता है कि, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या लिखा हुआ है वही लिख देंगे, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या लिखा हुआ है वही लिख देंगे। तो देखिए, एक नंबर में एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है? अगर कुछ भी नहीं है तो एक है, कुछ भी नहीं है तो कितना है? एक है। चलिए यहां एक लिख दिए। दूसरा नंबर देखिए, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा में देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? माइनस सात। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? माइनस सात। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस सात। ठीक है, चलिए तीसरा का आंसर देखिए, तीसरा का आंसर, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तीसरा में देखिए, एक्स स्क्वायर है, है ना, तीसरा में थोड़ा समझिए, क्या दिया हुआ है? पाई बाई टू इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस वन। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, पाई बाई टू इंटू एक्स क्यू प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पाई बाई टू इंटू एक्स क्यू प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, है ना, जीरो से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? जीरो, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो। तो इससे आप लोग ये याद रखिएगा, है ना, ये याद रखिएगा कि जिसका गुणांक लिख रहे हैं, है ना, जिसका गुणांक लिख रहे हैं, अगर बहुपद में वो पद नहीं है, है ना, जिसका गुणांक लिख रहे हैं अगर बहुपद में वो पद नहीं है तो उसका गुणांक जीरो होगा, है ना, उसका गुणांक क्या होगा? जीरो होगा, है ना, जिसका गुणांक लिख रहे हैं अगर वो पद बहुपद में नहीं है, है ना, अगर वो पद बहुपद में नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चार नंबर देखिए, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें है, चार में एक्स स्क्वायर है, चार में एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो क्या हो जाएगा? जीरो। पांचवा नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक पांच में, चलिए पांच को थोड़ा सा सोल्व करना होगा, है ना, पांच को थोड़ा सा सोल्व करना होगा, यहां दिया हुआ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, क्या दिया हुआ? x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला पर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस वन, तो x स्क्वायर के बगल में क्या है? वन। x स्क्वायर के बगल में क्या है? वन, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? वन, है ना, x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? वन, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? वन। ठीक है, चलिए, तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या तीन की ओर। आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या तीन को, है ना, प्रश्न संख्या तीन को आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक में
बहुपद का घात लिखिए, है ना। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए, है ना, बहुपद का पावर को लिखना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो बच्चों, है ना, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इसमें हमको, है ना, बहुपद का घात लिखना है, बहुपद का पावर लिखना है, है ना। इसमें हमको बहुपद का घात लिखना है यानी बहुपद का पावर लिखना है। तो याद कीजिए, आप लोग को बताए थे बहुपद का घात, बहुपद में, है ना, जिस चर का सबसे महत्तम पावर होता है, बहुपद में जिस चर का सबसे महत्तम पावर होता है वही होता है बहुपद का घात। मतलब बहुपद में जितना भी चर है, जिस चर पर सबसे अधिकतम पावर होगा, है ना, जिस चर पर सबसे अधिकतम पावर होगा वही पावर क्या कहलाएगा, बहुपद का घात। वही पावर क्या कहलाएगा, बहुपद का घात। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो नंबर एक है ना, बहुपद का घात, देखिए, बहुपद का घात, तो नंबर एक बहुपद का घात, देखिए पहला में सबसे बड़ा पावर कौन है, चार। सबसे बड़ा पावर कौन है, चार, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, चार। चलिए दूसरा देखिए, बहुपद का घात, सबसे बड़ा पावर कौन है, दूसरा बहुपद में सबसे बड़ा पावर कौन है, सबसे बड़ा पावर दो, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, दो। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में सबसे बड़ा पावर कौन है, तीन। सबसे बड़ा पावर तीन, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तीन। चलिए चौथा देखिए, चौथा में सबसे बड़ा पावर कौन है, देखिए बीस लिखा हुआ है इनटू, यहाँ एक्स नहीं है, तो यहाँ एक्स पे पावर कितना है, जीरो। यहाँ एक्स नहीं तो एक्स पे पावर कितना है, जीरो, तो इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा, जीरो। बहुपद का घात कितना होगा, जीरो। ऐसे भी आप लोग को बताए थे कि अचर बहुपद का घात क्या होता है, शून्य। ये अचर बहुपद है और अचर बहुपद का घात क्या होता है, शून्य, है ना, अचर बहुपद का घात क्या होता है, शून्य। चलिए पांचवा नंबर देखिए, बहुपद का घात, तो पांचवा में सबसे बड़ा पावर कौन है, सबसे बड़ा पावर सात, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, सात। छठा में देखिए, तो सबसे बड़ा पावर कौन है, सात, तो कितना जाएगा, सात। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। तो बच्चों आपका टाइप वन कंप्लीट होता है, आपका टाइप वन कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।